आज नूह के नालेश्वर के शिव मंदिर में यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के बीच यहाँ गेस्ट आए हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, जिनसे हम बात करेंगे कि सर पहले तो इस यात्रा का महत्व क्या है। ये जो मेवात जिला है इसकी पहचान भगवान कृष्ण के नाम से है। ये भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। नल्लण महादेव जहां हम खड़े हैं और जहां से यात्रा प्रारंभ होगी, यहां आकर स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान हुए थे। यहीं पर उन्होंने इस पवित्र शिवलिंग की स्थापना की थी और यहीं उन्होंने कौरव पांडवों को संधि के लिए बुलाया था। यहां झिर महादेव का मंदिर है जहां पांडवों ने अज्ञातवास का समय निकाला था। यहां श्रृंगार है जहां भगवान कृष्ण का श्रृंगार हुआ था। यहां पुनाना है जहां के लोग आज भी कहते हैं कृष्ण को पुनः आना, इसीलिए पुनाना नाम पड़ गया। दुर्भाग्य से मेवात की पहचान हिंदुओं के कब्रिस्तान के रूप में बन गई थी। यहां से हिंदू पलायन कर रहा था। यहां की पहचान कृष्ण है, ये दोबारा से एस्टेब्लिश हो, इसके लिए संपूर्ण हरियाणा के हिंदू यहां पर आते हैं। 25,000-30,000 ऐसी संख्या रहती है। यहां से यात्रा शुरू करते हैं और इन पांचों स्थानों पर जाकर दर्शन करते हुए न केवल पुण्य का लाभ लेते हैं, यहाँ के समाज को एक विश्वास दिलाते हैं हम आपके साथ हैं। और हरियाणा से जब आते हैं तो वो जिम्मेदारी का एहसास लेकर जाते हैं कि अगर यहाँ पर हिंदू के साथ कुछ हो रहा है तो हम उसकी रक्षा के लिए उसके साथ खड़े हैं। 3 साल से ये यात्रा निकल रही है, हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए हैं। और मेव समाज के भी कुछ लोग हैं जो सेंसिबल हैं, जो साथ में रहना चाहते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, वो इस यात्रा में हमारे सहयोगी बनते हैं। और जो विघ्नकारी शक्तियां हैं वो विघ्न पैदा कर सके, ये सामर्थ्य अब उनमें नहीं रह गया। आज की आपने देखा होगा कलश यात्रा में 1,000 से अधिक महिलाएं उपस्थित थी। वो श्रृंगार जहां मुश्किल से 2% हिंदू था, पिछली यात्रा में 250 महिलाएं मंगल कलश यात्रा में थी, तो एक परिवर्तन आ रहा है, ये आगे बढ़ेगा। सर, बजरंग दल के नेता मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस यात्रा में शामिल होंगे, तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि माहौल खराब होने का डर है। सर, मोनू मानेसर से माहौल खराब होने की क्यों आशंका है? कोई केस तो नहीं है, वो कोई मुजरिम नहीं है, गाय की रक्षा करता है, कानून के अनुसार करता है। राजस्थान पुलिस ने एक झूठा केस उस पर बनाया था। इंक्वायरी पर उन्होंने पाया कि इसमें मोनू मानेसर की वो लोकेशन ही नहीं थी यहां पर, वो कहीं और था। इसलिए मैं समझता हूं जब कोई केस नहीं है तो प्रशासन या यहां का मेव समाज क्यों उससे परेशान हो रहा है। वो अगर आएगा यात्रा में यात्री के तौर पर शामिल होगा और सब भगवानों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा। तो विश्व हिंदू परिषद का स्वागत करती है सर? अगर वो हमारा कार्यकर्ता है भाई, वो हमारा बजरंग दल का संयोजक है, इसलिए वो कार्यकर्ता के रूप में आएगा तो इसी रूप में आने वाला है। हम स्वागत हर हिंदू का कर रहे हैं, मोनू का भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जैन जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, जिन्होंने हमें बताया कि विश्व हिंदू परिषद मंदिर कमेटी मोनू मानेसर का स्वागत करेगी अगर मोनू मानेसर यहाँ आएगा, पर तब भी माहौल को देखते हुए बाहर पुलिस की तैनाती बहुत है ताकि यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण रहे। वीडियो जर्नलिस्ट मृदुल मोहन के साथ अनमोल नाथ बाली की नूह से रिपोर्ट।